उसको नहीं मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए इंस्टेंट प्लेजर, तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है, अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मेरा ये सब्जेक्ट सही से मुझे नहीं आता है, स्कूल में मेरा समय बहुत चला जाता है, मैं किसी लड़के के चक्कर में फंस गई हूँ, मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ, मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी पढ़ाई दो दिन नहीं हो पाती, मेरे हाथ में दर्द करने लगता है, मेरी आँखें जलने लगती है, ये सारी दिक्कतें आपके साथ होगी। एक ही चीज़ सिर्फ आपको बचा सकती है, ये लाइन, कंसिस्टेंसी इज द किंग, कंसिस्टेंट रहना। लस्सी हाथ से छूटी है ना, क्या हुआ, हाथ छिला है ना, तुरंत जाएंगे बेटा हाथ धुलेंगे, इस पे डेटॉल लगाएंगे, इसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे, वापस आके रस्सी पकड़ेंगे, कस के मजबूती, फिर छूटेगी, फिर जाएंगे हाथ धुलेंगे, फिर वापस आएंगे। बेटा हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, दो बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा हूँ। मेरी नज़र में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नज़र में भी आप सफल व्यक्ति हो, अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते। ये मन तो है ही शैतान, इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। आपका मन आपकी बात नहीं सुनेगा, किसी भी दिशा में भाग के चला जाएगा, उसे पकड़ के वापस लाओ। कुछ दिन आपकी बात सुनेगा, फिर किसी और दिशा में भाग जाएगा, उसे पकड़ कर फिर वापस लाओ। फिर आपका मन भाग जाएगा, चंचल है, कुछ और ढूंढने लगेगा संसार में, उसको नहीं मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए इंस्टेंट प्लेजर, तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है, अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मैं कौन सा एक वीडियो देख लूँ, शॉर्ट देख लूँ जिसमें कुछ हंसी मजाक हो, जिसके अंदर कुछ कोई मीम हो, कोई जोक हो, कोई सेटिस्फाइंग चीज़ हो जिसे देख के खुशी मिले। वो भागेगा इधर उधर, मैं जाके किससे व्हाट्सएप पे 10 मिनट बात कर लूँ जो मेरे मन का हाल समझ ले और मुझे बोले कोई बात नहीं सब बढ़िया है, इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहे। मैं दोस्तों के साथ कहाँ घूमने चला जाऊँ जो मुझे एक दूसरी दुनिया में बिजी रखें जिससे मैं ये दुनिया भूल जाऊँ। यही तो करते हैं हम लोग, दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाहते हैं और सोचते हैं बिल्कुल नहीं सोचेंगे, पढ़ाई लिखाई पर भी टेंशन छोड़ देंगे, पर होता क्या है, जितनी देर दोस्तों के साथ रहो पूरे देर दिमाग में बार बार आता रहता है कि तू अपने कर्तव्य से धोखा कर रहा है, तेरा असल काम, असल कर्तव्य कुछ और है, असल कर्म कुछ और है, तू कहीं और दूसरी दुनिया में फंसा। अपने मन को बार बार वापस लेके आना, और जब आप निरंतर अपने मन को पकड़कर वापस लाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन अपने मालिक की यानी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। अभ्यास की रस्सी में आपको अपने मन को बांधना पड़ेगा, प्रैक्टिस की रस्सी में टाइटली बांधना पड़ेगा। कैसे होगा सर ये, एक दिन में होगा, दो दिन में होगा, तीन दिन में होगा, 6 महीने में होगा, समय लगेगा। आप जीवन में कहीं पे भी हो, बहुत एवरेज बच्चे हो, बहुत बिलो एवरेज बच्चे हो, एकदम नहीं पढ़ाई लिखाई समझ में आती है, मैं हर बच्चे से ही बोलता हूँ तुझे जीवन में अगर कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, 3 साल अपने जीवन का सब भूल कर उस चीज़ को दे दे, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है IIT निकालना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है साइंटिस्ट बनना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है क्रिकेटर बनना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है सिंगर बनना, कोई भी आपका सपना है, पूरी दुनिया भूल के कमरा बंद करके 3 साल अपने जीवन का उस काम को दे दो। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए, आप उस फील्ड के हमेशा टॉप पे पहुंच जाओगे। मैं नहीं कह रहा फर्स्ट नंबर पे पहुंचोगे, पर दुनिया के टॉप 1% में आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे।